जनता संघ जिंदाबाद। हमको निर्णय करना होगा, आज करो अभी करो। इसी नारे के साथ नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्या मितान अतिथि शिक्षक संघ रायपुर के तूता धरना स्थल में उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 अगस्त से शुरू हुए इस प्रदर्शन में शिक्षक अलग अलग तरीके से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन जब सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो अब वो अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने को मजबूर है। आज हम लोग 5 साल से सरकार के ऊपर विश्वास करके उनसे निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों का मांग जो आपने कांग्रेस जन घोषणा पत्र में रखा है वो मांग पूरा कीजिए। सरकार कह रही है कि 36 में से 34 वादे उन्होंने पूरा कर दिया है, तो विद्या मितान जिसको छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं उनको निमितीकरण करने का था, वो अभी तक का पूरा क्यों नहीं हुआ है? हम पूछना चाहते हैं सरकार से, आज 5 वर्ष बीतने को जा रहा है, कब हम लोग का निमितीकरण करेंगे? इसलिए आज हम लोग को द्रवित होकर के, दुखित होकर के इस मैदान पे अर्धनग्न पोजीशन से प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बता दें कि भूपेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में विद्या मितान शिक्षकों के नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन 4.5 साल बीत जाने के बाद भी जब सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो अतिथि शिक्षक अब सड़क पर उतर आए हैं। अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि अगर भूपेश सरकार ने उनकी मांग नहीं सुनी तो राज्य में दोबारा कांग्रेस सरकार नहीं बनने देंगे। इसके अलावा उन्होंने सरकार को 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आने वाले 15 अगस्त को देश जैसे स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उसी तरीके से हम लोगों को भी आजादी प्रदान कीजिए, हम लोगों को भी व्यवस्थित कीजिए, नियमित कीजिए। हम लोग वही चाह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि 15 अगस्त को आप नियमित कीजिए। हम लोग ये मात्र सांकेतिक हड़ताल हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। 15 अगस्त को यदि हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो उसके बाद उग्र प्रदर्शन करने के लिए सरकार खुद हमें बाध्य करेगी। कहीं शिक्षक तो कहीं वकील, चुनावी साल में भूपेश सरकार लगातार कर्मचारियों से घिरते हुए नजर आ रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन सीएम भूपेश नियमितीकरण को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस सरकार को बुरा अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कर्मचारियों की मांग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाती है। रायपुर से महेंद्र नामदेव की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।